गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एप्लीकेशंस देखेंगे। तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो वर्क जो आ रहा है आपके पास, उसमें अपने एक्टिव पैसिव चल रहे हैं और आज देख लेते हैं एप्लीकेशंस। तो साथ में आप एप्लीकेशंस को भी लर्न कर लेंगे, राइट कर लेंगे। आपने जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो देखा है वो एक अलग तरीके से आपने देखा है और अब अलग तरीके से आप देखेंगे। मान लीजिए आप क्वेश्चन में हैं, यू आर रमेश। आप क्या हैं? रमेश हैं, आपका नाम रमेश है। स्टडिंग इन आदर्श सेकेंडरी स्कूल। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? आदर्श सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जयपुर, जो कि कहाँ है? जयपुर में है। राइट एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन राइट करनी है टू योर हेडमास्टर, हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को, ठीक है। टू ग्रांट योर लीव फॉर 3 डेज। आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है, उसके लिए आप क्या कराएं? एक एप्लीकेशन लिखें कि आप बीमार हैं और बीमार होने पे आप क्या कर रहे हैं, 3 डेज की लीव ले रहे हैं। तो आप अभी तक आप देख रहे थे टू द हेडमास्टर या टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, इस टाइप से राइट कर रहे थे। लेकिन अब इस टाइप से राइट नहीं करना, जो आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है उस टाइप से आपको राइट करना है। तो टू तो आपको राइट ही नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो राइट करना है, जो स्टूडेंट जो राइट कर रहा है एप्लीकेशन, उसकी घर का एड्रेस। तो 72 क्या है? हाउस नंबर है, जमुना नगर में वो रहता है, जयपुर के अंदर। तो जो स्टूडेंट ये एप्लीकेशन राइट कर रहा है रमेश, उसके घर का ये एड्रेस है, ठीक है। फिर डेट आ जाती है। एक चीज़ इसमें खास बात है, आपको एक सीक्वेंस से ही लाइन के पास से राइट करनी होती, आगे पीछे नहीं करना है, सारे पॉइंट्स एक सीक्वेंस से ही चलने हैं, ये भी है एक मेजर। तो सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी कि डेट किस डेट को राइट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप 3 नवंबर होगी तो आप 3 नवंबर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। द हेडमास्टर, ये भी देखिए एक सीक्वेंस से चल रहा है। फिर स्कूल का नेम आ जाएगा, आदर्श सेकेंडरी स्कूल जयपुर। फिर सर या मैम, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नीचे से, जस्ट नीचे से आपको लाइन वगैरह नहीं छोड़नी है, इसमें कंटिन्यूटी में चलना है, जैसा कि मैंने राइट किया हुआ है। फिर सर या मैम के जस्ट नीचे वो प्रिंसिपल फीमेल भी हो सकती है, तो मैम आ जाएगा, यदि मेल है तो सर आ जाएगा। सर या मैम, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग, SUFFERING, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज ओनली। तो मेरे को आप, मैं रेस्पेक्टेड सर, मैं क्या हूँ, पिछले नाइट से किससे सफर हूँ, फीवर से, बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है, लास्ट नाइट से ही, पिछली रात से। तो आप मेरे को क्या करें, 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योवर्स ओबीडेंटली पीपल, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ओबीडेंटली प्यूपिल, प्यूपिल का मीन्स होता है शिष्य, ठीक है। ओबीडेंटली भी आप राइट कर सकते हैं, चाहे तो प्यूपिल एक्स्ट्रा राइट कर सकते हैं। फिर नीचे नेम आ जाएगा, रमेश ये राइट कर रहा है, उसकी क्लास आ जाएगी नीचे जस्ट 7th क्लास। फिर रोल नंबर आ जाएगा, यदि राइट करना चाहे तो रोल नंबर 5। तो एक इस टाइप से आपको एप्लीकेशन राइट करनी है। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, स्कूल के प्रिंसिपल है HM, उसके स्कूल का नेम, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, ये थैंकिंग यू, योवर्स ओबीडेंटली, नेम, क्लास, ये देखिए एक सिक्वेंस टाइप से आपको ये राइट करनी है एप्लीकेशन। तो इस मेथड से आप राइट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में ये क्या है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो मैं एप्लीकेशंस भी राइट करा देता हूँ, फिर लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग्स भी अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।